जय हिंद बंदे मातरम। स्वागत है आज के मौसम अपडेट में। भाइयों बहनों, आज 25 जून से लेकर 27 जून तक यानी आने वाले 24 से 48 घंटे के बीच में किन किन राज्य में काफी आंधी तूफान आने वाला है, किन राज्य में मानसून दस्तक देने वाली है और किन राज्य में चक्रवात तूफान दस्तक देने वाला है, इस वीडियो में विस्तार रूप से बताएंगे। भाइयों बहनों, आपको हर रोज इस तरह के मौसम अपडेट्स आने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर जरूर से करना है और नीचे आपको कमेंट कर देना अपने जिले का नाम और राज्य का नाम, ताकि आने वाले मौसम अपडेट में आपके जिला और राज्य का मौसम अपडेट जरूर से हम दे सके। भाइयों बहनों, यहां पे अगर बात करें झारखंड में 25 जून से लेकर 27 जून तक मानसून आने का आशंका बताई जा रही है मौसम विभाग के अनुसार। और भाई बहन, यहाँ पे मौसम विभाग ने कई राज्य में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया, तो किस किस राज्य में मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया ये चीज आपको बताएंगे विस्तार रूप से। पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, NCR में मानसून 26 तारीख तक आने की आशंका बताई जा रही है मौसम विभाग के रिपोर्ट के अनुसार। अगर बात करें केरल, कर्नाटक के दक्षिण हिस्से, तमिलनाडु के अलावा पूर्वोत्तर भारत में भारी आंधी आने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। और स्काईमेट की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में अगले 24 से लेकर 18 घंटे में उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और तूफान आने की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग के अनुसार। तो उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हो तो काफी ज्यादा अलर्ट हो जाओ, क्योंकि वहां पे जो है आंधी तूफान आने की आशंका जताई जा रही है स्काईमेट की रिपोर्ट के अनुसार। तूफान का कुछ असर राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा पंजाब में भी देखने को मिलेगा। जी, अगर आप राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश से रहते हो तो वहां पे भी तूफान आने का संभावना बताया जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार, तो आप लोग वहां से बिल्कुल अलर्ट रहो, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के अनुसार यहां पे 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी के साथ तूफान आने का आशंका जताई जा रही है। जी, यहां पे 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार से यहाँ पे आंधी आने का आशंका जताई जा रही है, तो बिल्कुल भी आप लोग वहाँ पे अलर्ट रहो। अगर बात करें बेंगलोर की, तो यहाँ पे मौसम फिलहाल साफ रहेगा, बस थोड़ी सी बादल छाई रहेगी और बारिश लगभग 26 जून तक यहाँ दिखाई दे रही है। जी भाई, मैंने मौसम अपडेट्स में आपको बताया कि बेंगलोर में काफी ज्यादा यहाँ पे अभी माहौल अच्छा है और मानसून जो है अभी कुछ ही दिन में, आने वाले एक हफ्ते दिन में यहाँ पे बिहार हो गया, दिल्ली NCR हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, सभी जगह दस्तक देने वाला है मौसम विभाग की ओर से ये रिपोर्ट निकल के आ चुका है। और यहाँ पे जो है कुछ राज्य में चक्रवात तूफान की, गुजरात, केरल और वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जा सकता है चक्रवात तूफान। तो चक्रवात तूफान की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, बिजली खंभे गिर सकते हैं, पेड़ पौधे गिर सकते हैं, ट्रैफिक जाम हो सकता है, जिसके कारण मकान में भी काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। तो अगर आप गुजरात, केरल और बंगाल से रहते हैं तो आप लोग चक्रवात तूफान से जूझने के लिए बिल्कुल रेडी रहो, क्योंकि वहां पे अगर आता है तो आप लोग अलर्ट हो जाओ, क्योंकि सरकार और मौसम विभाग की ओर से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया इन तीनों राज्यों में, ठीक है ना। तो अगर आप गुजरात से रहते हो, बंगाल से रहते हो या फिर केरल से रहते हो, तो आप बिल्कुल ही अलर्ट रहो। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज का मौसम अपडेट में यही था और रोजाना मौसम अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, नीचे कमेंट करिए अपने जिले का नाम और राज्य का नाम, ताकि अगले अपडेट में आपके जिला और राज्य का मौसम अपडेट जरूर से दे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय।